आज के इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हाउ ए कैपेसिटर गेट्स चार्ज, दूसरा हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है, तीसरा एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, किस कीमत पर एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, चौथा व्हाई ओनली हाफ ऑफ द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, जो सप्लाई करते हैं उसका आधा ही क्यों स्टोर होता है, पांचवा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन और हाउ टू डेराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, छठवां ये भी हम लोग देखेंगे कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डेरिवेशन, और सातवां और अंतिम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एडिटिव क्यों होता है। तो चलिए, जैसा कि टॉपिक ऊपर लिखा ही हुआ है, आज हम लोग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो आया था, एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग की प्रोसेस कुछ हनी बी के मधु इकट्ठा करने का प्रोसेस के सिमिलर है। ओके, जिस तरह से हनी बी रस को फूलों से अपने छत्ते तक बारी बारी करके पहुंचाती हैं, ओके, उसी तरह से यहाँ पर फूल के रस के जगह पर इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफ़र होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो जहाँ से वो जाएगा वहाँ एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ के जाएगा, और जहाँ जाएगा वहाँ पर नेगेटिव इम्प्रेशन बन जाएगा। ओके, ये बारी बारी से वन बाय वन होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट और नेगेटिव होता जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखें कि छोटा अमाउंट मतलब डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय डी डब्ल्यू वर्क इतने वर्क से, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू बाय डी क्यू ये पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट इंस्टेंट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स होगा। यानी यहाँ पर डी डब्ल्यू जो वर्क होगा वो भी इंटू डी क्यू के बराबर होगा, और कैपेसिटर के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ पर क्यू बाय सी इज इक्वल टू वी हो जाएगा, और इसको अगर यहाँ पुट कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू Q बाय सी इंटू डी क्यू होगा। चलिए, यहाँ तक तो हम आ जाएंगे, यानी इतना अमाउंट ऑफ वर्क डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए होगा। हनी बी वाले में जो रस इकट्ठा करने का काम था वो हनी बी कर रही थी एज एन एक्सटर्नल एजेंट। अभी यहाँ पर इस वर्क को कौन एकम्प्लिश करेगा, किस को एक्सटर्नल एजेंट माना जाए, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट वही है जो सेल आप कैपेसिटर प्लेट के बीच में जोड़ते हैं, और अगर सेल के लिए पोटेंशियल भी हो तो याद होगा ये W बाय क्यू इज इक्वल टू भी लिखते थे, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्यू इंटू भी लिख पाएंगे। यानी इतना वर्क अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो वो सेल करेगा। ओके, तो जो एनर्जी स्टोर हो रहा है सेल के अंदर, केमिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ये पार्ट आप जानते हो जब कैपेसिटर का डिस्कशन किए थे, और वही केमिकल एनर्जी जो है इस बार कैपेसिटर के लिए एनर्जी सप्लाई करके स्टोर करने का हेल्प करेगा। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर भी आपको मिल गया। अब अगर हम टोटल वर्क चाहते हैं तो ओबियस है कि डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक ही साइड थोड़ी होगा, इंटीग्रेशन दोनों साइड होगा। हाँ, अब अगर हम चार्ज जीरो ट्रांसफ़र किए थे क्योंकि इधर डी क्यू वेरिएबल है, हाँ सी की बात करो तो सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। क्यों कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ठीक बकेट के वॉल्यूम जैसा है, बकेट खाली हो
या भरा हुआ हो, बकेट का वॉल्यूम वही होता है। उसी तरह से कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर खाली हो या भरा हुआ हो, चार्ज हो या अनचार्ज हो, कैपेसिटेंस उतना ही होता है, यानी वो फिक्स क्वांटिटी है। और फिक्स क्वांटिटी है ना का भविष्य इंटीग्रेशन में क्या होता है मालूम है, कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, यानी अगला स्टेप ही हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब चार्ज हमने ट्रांसफ़र ही नहीं किया तो वर्क जीरो था, और चार्ज जब हमने है ना टोटल क्यू कर लिया तो वर्क है ना वो डब्ल्यू था, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस मच, जीरो से क्यू तक। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन सब कोई बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, जो लोग हाँ बता रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला पहला वाला, तो x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। तो यहाँ पर x के जगह पर तो q है और यहाँ dq, तो q का पावर 1 है, तो आप x के जगह पर q 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन, यानी आपको ये इंटीग्रेशन 1 बाय c है ना q स्क्वायर बाय 2 हो गया, जीरो से q तक लिमिट पुट कर देंगे और अरेंज कर देंगे तो ये q स्क्वायर बाय c हो जाएगा w इज इक्वल टू। वेल, ये तो आपका एक इक्वेशन बन गया। जो ऊपर लाइन लिखा हुआ था ऊपर के डिस्कशन से कि वर्क ही है ना बाय अबव डिस्कशन वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा, यानी u इज इक्वल टू w, तो ये कितना हो गया u इज इक्वल टू हाफ है ना q स्क्वायर बाय c। ये एक पहला इक्वेशन मिल गया आपको, फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ से बना लिया। अब अगर आप चाहें तो एक और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि q इज इक्वल टू आपने c भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर u इज इक्वल टू q के जगह पर c भी लिख दीजिए, तो आपको हाफ एक ठो c कैंसिल हो जाएगा, तो c भी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आ गए। और यहाँ से चाहते आप तो एक और इक्वेशन बना लेते, और इक्वेशन कैसे बना लेते, तो देखिए यहाँ पर u इज इक्वल टू हाफ है ना c भी इंटू भी लिखते, अगर c भी इंटू भी लिखते तो ये मालूम है कि c भी जो है वन सेकेंड q है, तो यहाँ पर आपको हाफ है ना q भी हो गया, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो तीन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब तीन फॉर्म में पहला फॉर्म जो है ओके, ये तब यूज कीजिए जब चार्ज कांस्टेंट हो, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता ही है। दूसरा फॉर्म जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, भी कांस्टेंट। अब चार्ज कब कांस्टेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कब कांस्टेंट होगा ये तो आपको मालूम है, ठीक है। और तीसरा जनरल है। अब आते हैं एक और मुद्दे पे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बोला था कि सेल ने सप्लाई कितना एनर्जी किया, तो ये सप्लाइड वाला पार्ट है ना, सप्लाइड वाला पार्ट, इसीलिए मैंने लिख के लिखा था क्या कि क्यू भी उसने सप्लाई किया और स्टोर्ड कितना हुआ हाफ क्यू भी। तो भाई हाफ ऑफ द एनर्जी ही क्यों सप्लाइड का स्टोर्ड हुआ, आधा एनर्जी का हुआ क्या? ओके, तो भाई कहीं भी एनर्जी का जब लॉस होता है ना, तो दोषी दो ही होते हैं। क्लास 11th में जनरली फ्रिक्शन था, ठीक है, फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल था, और वो भी क्या करता था, हीट जनरेट करके एनर्जी का लॉस करा देता था। यहाँ पर क्या है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, तो उससे कुछ हीट भी जनरेट होगा और उस हीट के फॉर्म में आधा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड करके रखना ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखेंगे कि जो एनर्जी हम देंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही स्टोर हो पाएगा, 50% डिसिपेट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम बात करें ऑलवेज एडिटिव क्यों होता है। एक्सप्रेशंस आपको मिल गए, बारी बारी से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलते जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने शुरू में ही दिखा दिए थे, लास्ट में एक बार फिर रिकैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको इन सीरीज की बात करें है ना,
तो सीरीज में क्यू जो होता है या चार्ज क्यू ये कांस्टेंट होता है, ओके। और साथ ही साथ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN इज इक्वल टू 1/C होता है। एक काम करते हैं, हाफ और क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2 प्लस डॉट 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 हाफ क्यू स्क्वायर बाय CN। ये जो है सीरीज का पहला कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगा E1, ये दूसरे में U2 और ये अंतिम में यानी UN, यानी U इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज स्टोर्ड इन डिफरेंट कैपेसिटर्स आ गया। अब इन पैरेलल की बात करें, इन पैरेलल वाले केस में आपको मालूम है कि V इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट होता है और C इक्विवेलेंट जो होता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN तक होता है। दोनों साइड आप हाफ है ना वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, ये हाफ C1 वी स्क्वायर हो गया प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर हो गया प्लस डॉट 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 है ना क्या हो गया हाफ CN वी स्क्वायर, यानी ये U जो है U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN के बराबर हो गया। यानी यहाँ भी ये सम के फॉर्म में ही है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज ऑलवेज सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन डिफरेंट कैपेसिटर्स सीरीज या पैरेलल दोनों में से कोई भी ले लें। तो होप आप फिर से प्रश्नों को देख लें, उनके सभी के उत्तर मिल गए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, हाउ ए कैपेसिटर गेट्स चार्ज, तो कैपेसिटर को चार्ज करने का प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 1/1 होता है। दूसरा, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो मालूम हो गया कि वो केमिकल एनर्जी ऑफ सेल है जिसके कॉस्ट पे एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर के अंदर। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हाउ मच एनर्जी आपने देखा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, नहीं तो हाफ सी वी स्क्वायर, नहीं तो हाफ क्यू वी के बराबर। अगला क्वेश्चन जो था आपका, एक्सप्रेशन कैसे डेराइव करेंगे, तो डेरिवेशन का पूरा मेथड आपको समझा दिया गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपने देख लिया, हाँ सातवा क्वेश्चन ये वाला था। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एनर्जी कितन एक का डेरिवेशन जो अभी हम कर रहे थे स्टोर्ड का, क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड भी है। वेल अल्टरनेटिव मेथड की बात जब आप करते हो तो यहाँ पर आपने जो लिखा है ना, मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि आपने लिखा है क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, क्यों, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हटा दिया तो प्रोपोर्शनल आ गया। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें, वेल ग्राफ प्लॉट करें, एक एक्सिस में है ना क्यू को रख करके और एक एक्सिस में वी को रख करके, तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ओके पासिंग थ्रू सेंटर आएगा। अब अगर हम इसके एरिया को मेजर करें, तो जब कैपेसिटर मैं बता रहा था तो बताया था कि एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ है ना, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, एरिया अंडर है ना क्यू वी ग्राफ। और अगर हम यहाँ एरिया निकालें तो हाफ होगा, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, एक एक्सिस से क्यू और दूसरे एक्सिस से भी, यानी यू इज इक्वल टू हाफ क्यू भी। और यहाँ पर फिर अगर हाफ है ना क्यू का वैल्यू हमने दे दिया, क्यू का वैल्यू क्या दे देंगे, सी भी इंटू भी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर ओके। और सी से डिवाइड कर दिया होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी वहाँ से, तो हमारे पास ये हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी आ जाता, मतलब तीनों एक्सप्रेशन आपको मौजूदा हालात में
मिल रहे हैं। हाँ, तो डेरिवेशन का बहुत आसान तरीका ये भी है। अब इस तरीके से डेरिवेशन करें तो मार्क्स मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन सभी बच्चों का होता है। मेरा ख्याल है क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ आप गलत हो। वो इंटीग्रेशन का टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम सारा कॉन्सेप्ट ये कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो जब भी हम एरिया अंडर बाउंडेड रीजन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें भी तो एरिया ही निकालते हैं इंटीग्रेट करके। तो इसका भी अगर हम शेडेड पार्ट का एरिया निकालना चाहेंगे तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ग्राफ अगर मिल जाए तो ये कमाल हो जाएगा, आसानी से आप कर पाओगे। तो ये भी उतना ही आपको मार्क्स देगा जो पहले वाला मेथड, आप जो भी चाहें अडॉप्ट कर लें, ऐसा मेरा मानना है। एक बार अपने टीचर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए।